हेलो स्टूडेंट्स कंटेनिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हमने डिफाइन भी किया था कुछ टर्म्स चलिए एक और नया टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करेंगे जिसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस इसका सिंबल यूज करते हैं लेमडा एम इसे कई बार मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस एक ही बात होती है सिंबल एम। अच्छा सिंबल के बारे में बता देता हूँ पहले मैं वैसे तो देखो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस कौन कंट्रीब्यूट करते हैं आयंस करते हैं तो अगर आयस का कंट्रीब्यूशन लेंगे तो हम स्मॉल लेमडा लेंगे जैसे ये वाला ये स्मॉल लेमडा है जैसे एनए है तो एन ए प्लस ए कंट्रीब्यूशन स्मॉल लेमडा से सी एल माइनस या कंट्रीब्यूशन इस तरीके से शो करेंगे बट यदि हम एन का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो हम ये बड़ा लैमडा यूज करेंगे इसको बोल रहे हैं छोटा लेमडा इसको बोल रहे हैं बड़ा लैमडा और लैमडा एम मान लो मोलर कंडक्टिविटी है किसका एन का तो ओवरऑल मॉलिक्यूल के लिए ये वाला सिंबल और इंडिविजुअल आयन से कंट्रीब्यूशन के लिए ये स्मॉल लेमडा वाला सिंबल हम फॉलो करेंगे इस पूरे एनालिसिस में तो मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम एम मोलर नाम से मालूम पड़ रहा है मोलर कंडक्टिविटी एस ए सोल्यूशन कंडक्टेंस विच कंटेन्स वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो बस यही परिभाषा है तो लिखो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ The solution which contains one mole of electrolyte <coughs> filled between parallel electrodes. Of unit distance apart and large enough. So, it is the conductance of the solution or that volume of the solution which contains one mole of electrolyte filled between. Uh, two parallel electrodes of unit distance apart between two parallel electrodes uh, of unit distance apart and large enough to accommodate complete volume. so it is the conductance of the solution which contains one mole of electrolyte filled between the two parallel electrodes of unit distance apart and large enough to accommodate the complete volume. Ye hai मोलर कंडक्टिविटी की अच्छा इसकी यूनिट वो चलो बाद में देखते हैं पहले तो मोलर कंडक्टिविटी की ये डेफिनेशन है एक मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होना ही चाहिए अब जैसे मान लो एक्सप्रेशन की बात करें तो हमें एक बात पता थी कि कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू कंडक्टेंस जी इंटू एल अपॉन ए तो हम जी को लिख सकते हैं कंडक्टेंस के इंटू ए अपॉन एल एक काम करो एल से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो ए इन ट्वेल्व क्या बन गया ये वॉल्यूम बन गया बिटवीन द पैरल प्लेट्स तो g इज इक्वल टू के इन टू दिस इज वॉल्यूम v अपॉन एल स्क्वायर तो फॉर द डेफिनेशन ऑफ अब हम मोलर कंडक्टिविटी बात कर रहे हैं तो देखो मोलर कंडक्टिविटी के लिए कैसे फाइंड आउट करें एक्सप्रेशन फॉर द डेफिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी यूनिट सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड एल को वन ले लो तो एल को अगर वन ले लिया एंड सोल्यूशन कंटेन्स एंड सोल्यूशन कंटेन्स वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो अगर एल वन ले लें एंड सॉल्यूशन कंटेन्स वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो उस केस में एम विल बिकम इक्वल टू जी यही तो है क्या थी परिभाषाइट डूबा पर हुआ है टू पैरल इलेक्ट्रोडेंस अपार्ट तो लेमडा एम जी के बराबर ही हो जाएगा तो उस केस में फिर क्या डेफिनेशन निकली तो जी के बराबर लेमडा एम हो गया तो लेमडा एम यहां से यहां आ जाओ तो जी की जगह क्या लिख दिया लेमडा एम इंटू के कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम वी एल वन ले लिया हमने बट वॉट इज वी ये वी वो वॉल्यूम है सोल्यूशन का विच कंटेन्स वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन्स वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो ये वो वॉल्यूम है जो विच कंटेन्स वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अब बात आती है अगर सीजीएस में लेंगे आ, तो यहां पर अगर सीजीएस में लेंगे तो सीजीएस में लेंगे तो फिर ये सेंटीमीटर क्यूब पर मोल होना चाहिए तो फिर के भी सी में लेना होगा साइमन सेंटीमीटर माइनस वन तो फिर लैम्डा एम की यूनिट क्या हो गई ये हो गई साइमंस मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस वन बट यदि एस में लोगे तो क्या होगा मैं बता देता हूं लेमडा एम इज इक्वल टू के इनटू वी अगर वी को एस में लिया इन इन एस तो वी लेंगे मीटर क्यूब पर मोल फिर तो के बी एस आई में लोगे तो साइमन्स मीटर माइनस वन तो फिर लैम्डा एम की यूनिट भी जो होगी वो एस si आई में क्या होगी साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल माइनस वन सो लाइक दैट यू विल डिफाइन स्क्वायर तो साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल माइनस वन तो इस तरीके से यूनिट लेनी होगी तब बट ये बढ़िया फार्मूला नहीं ये फार्मूला ही नहीं है डोंट यूज दैम एज ए फॉर्मूला स्टूडेंट्स प्लीज डोंट अप्लाई डू नॉट यूज डैम एस फॉर्मूला फॉर्मूला में बना के देता हूं आपको आपको इसका एक जनरल फार्मूला बढ़िया फार्मूला मैं बनाकर देता हूं जैसे इनसीजीएस uh, यूनिट मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला सीजीएस यूनिट में हमें तो सॉल्यूशन में कोई यह वॉल्यूम थोड़ी दिया हुआ होता है कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है इतने मीटर क्यूब में इतने क्यूब हमें तो कंसनट्रेशन हुई होती है तो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इस तरीके से दी हुई होती है मोल पर लीटर में मान लो सी मोल पर लीटर हमें तो यह हुई होगी वैल्यू तो इसका मतलब यह हुआ कि सिंस सी मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन वन लीटर वन लीटर मीन्स अगर सीजीएस में ले रहे हैं तो की पार थ्री सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन तो इसका मतलब एक मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने वॉल्यूम में पड़ा होगा सीजीएस कंडीशन में तो हजार अपॉन सी सेंटीमीटर क्यूब पर मोल यही तो है वी इन सीजीएस यूनिट तो क्या फॉर्मूला था लेमडा एम इज इक्वल टू तो, इंटू वी यही था ना तो जरा वैल्यू पुट करो तो लेमडा एम किसके बराबर हो क्या के इंटू वी की वैल्यू रख दो हजार सो नाउ यू हैव द फॉर्मूला आपको डरने की बात नहीं है लेमडा एम वुड बी इक्वल टू वन थाउजेंड इंटू के कंडक्टिविटी अपॉन मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन ये है फॉर्मूला टू बी अप्लाइड इन सी एस यूनिट में जहां पर के लेना है तो साइमंस साइमसेंटीमीटर में मोलरिटी तो हमेशा मोल पर लीटर में लेनी है तो साइमंस तो फिर लैम्डा M किसके बराबर आ जाएगा फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर दिस सो रिमेंबर दिस इसको याद रखो इनको तो फॉर्मूले की तरह ही नहीं करना है मैंने मना किया अभी प्लीज डू नॉट यूज दैम एज ए फॉर्मूले फॉर्मूला ये यूज करना है सीजीएस में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है अच्छा एस SI आई में इन एस आई यूनिट इस बार कंसंट्रेशन तो वही है ना सी मोल पर लीटर तो फिर इस बार एस SI आई में बोलोगे तो क्या बोलोगे सिंस सी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर प्रेजेंट इन वन लीटर मींस टेंट पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन तो इसका मतलब एक मोल इलेक्ट्रोलाइट कितनों में प्रेजेंट होगा वन अपॉन वन थाउजेंड इंटू सी मीटर क्यूब पर मोल तो यही तो है वी के बराबर इन एसआई यूनिट एस आई में वी यही तो होता था कि वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने मीटर क्यूब में पड़ा हुआ है नाउ फॉर द वैल्यू क्या फॉर्मूला था मडा एम इज इक्वल टू के इंटू वी इधर पुट करो वैल्यू तो लेमडा एम का फॉर्मूला आ गया के अपॉन थाउजेंड इंटू मोलरिटी देखो ये है फॉर्मूला ये लगाना है इसको याद करो रिमेंबर दिस इन एसआई इस बार के लोगे तो में लोगे साइमंस मीटर माइनस वन तो फिर लेमडा एम में लोगे साइमंस मीटर स्क्वायर मोल माइनस वन मीटर स्क्वायर मोल माइनस वन एस आई में लगाना है तो हजार का फैक्टर नीचे और सीजीएस में लगाना है तो हजार का फैक्टर ऊपर न्यूमरेटर में बस इतना ध्यान रखो योर ऑल क्वेश्चन कैन बी सॉल्व तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं मोलर कंडक्टिविटी अच्छा जैसे मोलर कंडक्टिविटी एक टर्म होता है कि एक मोल मोल उस सोल्यूशन की कंडक्टेंस विच कंटेन्स वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐसी एक टर्म आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस समझ गए होंगे बात को उस सोल्यूशन की कंडक्टेंस विच कंटेन्स वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस तो एक हेडिंग लिखो इक्वेविलेंट कंडक्टिविटी इसका सिंबल लेमडा एम ईक्यू मोलर तो एम था इक्वलेंट मींस ई क्यू या फिर इसको इक्वेलेंट कंडक्टेंस भी बोलते हैं तो लैम्डा क्यू e बस पूरी परिभाषा वही कि इट इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट द सोल्यूशन विच कंटेन्स वन मोल नहीं बस एक शब्द रिप्लेस करना है पूरी परिभाषा में मोलर कंडक्टिविटी की परिभाषा में से एक शब्द को रिप्लेस कर दो वन मोल की जगह क्या ले लो वन ग्राम इक्वेलेंट तो बस बोल दो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन है ये कंडक्टेंसी कंडक्टेंस विच कंटेन्स वन ग्राम इक्वलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बस बाकी परिभाषा सेम प्लेस्ड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स यूनिट डिस्टेंस अपार्ट एंड लार्ज एनफ टू कंप्लीट वॉल्यूम वो सब परिभाषा बिल्कुल सेम है तो कंडक्ट कंडक्शन uh, नहीं कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन जल्दी जल्दी में कई बार हो जाता है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट्स ये बात सभी ध्यान रखें कि टू इर इज़ द ह्यूमन गलती इंसान से होती है तो कई बार हम बोलते कुछ और हैं और कई बार लिख कुछ और जाते हैं तो कई बार ये कोऑर्डिनेशन थोड़ा कभी कभी डिस्टर्ब होता है चार पाँच दस लेक्चर में कभी कभी कोई पॉइंट ऐसा आ सकता है कि बोला कुछ और, और लिख लिया उसका कई बार उल्टा या कैलकुलेशन कई बार हम कहेंगे इट डज नॉट तो हम लिख लिया नॉट वहाँ से गायब हो गया तो कभी ऐसा पॉइंट आए तो आप कमेंट्स uh, में पूछ सकते हैं आई विल चेक एंड आई विल लेट यू नो कि यहाँ ये होता है तो ये ह्यूमन एडर्स थोड़े बहुत होते ही हैं आप खुद ही देखो ना आप जब टेस्ट पेपर अटैम्प्ट करते हो कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर तो क्वेश्चन में पूछा होता है कि विच इज द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट दिस दिस दैट आप क्वेश्चन भी सही सॉल्व कर ले तो सब कुछ सही करते हो और इनकरेक्ट की बजाय करेक्ट वाला टिक माराते हो तो गलती होती है ना तो आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग मिस्टेक कहीं कहीं हो जाती है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो नहीं होगी बट कभी कभी बोलने में और लिखने में थोड़ा सा कॉर्डिनेशन का डिफरेंस हो सकता है तो वो आप पॉइंट आउट कर दें वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो इक्वेलेंट कंडक्टिविटी क्या थी कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन विच कंटेन्स वन ग्राम इक्वलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसके फॉर्मूले में क्या अंतर आएगा बस मुलैरिटी की जगह क्या आ जाएगा नॉर्मैलिटी लिख लेते हैं उसको भी तो इक्वलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्मूले अगर देखें तो क्या फॉर्मूले होंगे तो लैम्डा क्यू अंतर बस इतना होगा कि थाउजेंड का फैक्टर ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा नॉर्मैलिटी सीजीएस इस बार के जो है वो साइमंस सीटर सेंटीमीटर माइनस वन तो फिर यूनिट क्या होगी इक्वलेंट कंडक्टिविटी की और इक्वलेंट कंडक्टेंस की साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वलेंट माइनस वन मोल माइनस वन नहीं इक्वलेंट माइनस वन सिमिलरली लेडाई क्यू ऐसा यूनिट में क्या लोगे समझ गए होंगे हजार का फैक्टर इस बार नीचे और साथ में मोलारिटी की जगह क्या आ जाएगा नॉर्मेलिटी इन SI आई यूनिट केज बार अगर हजार का फैक्टर नहीं चल तो एस SI में ले रहे हैं तो साइमंस मीटर माइनस वन एंड दिस बिकम्स साइमंस मीटर स्क्वायर इक्वल माइनस वन सो दिस इज द यूनिट यू शुड रिमेंबर अब बात ये आती है किसी सॉल्यूशन के लिए आप लेमडा एम और लेमडा ई क्यू दोनों डिफाइन कर सकते हो तो रिलेशन बिटवीन lambda m एंड lambda ई क्यू अब जरा डिवाइन करना uh, lambda m upon lambda ई क्यू मान लो cgs में ले लो तो हजार के अपॉन मोलैरिटी और ऊपर नॉर्मैलिटी आ गया और नीचे हजार के आ गया हजार के से हजार के कैंसिल आउट तो एक तरीके से लेमडा ई क्यू इज इक्वल टू लेमडा एम अपॉन वैलेंसी फैक्टर क्योंकि सबस्टेंस uh, तो ये एक्सप्रेशन है. तो, eq है जैसे वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ मान लो एन एस सी एल का लिया इलेक्ट्रोलाइट का इट इज वन बेरियम सल्फेट का लेना है तो यू विल टेक टू विलियम सल्फेट ये सब पढ़ चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन एंड क्लास का चैप्टर है है रिकॉर्डेड ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा आप जाके वहां से रिवाइज भी कर सकते हैं तो एल्यूमिनियम सल्फेट या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज सिक्स आएगा थ्री नहीं दो एल्यूमिनियम है एक एल्यूमिनियम पर चार्ज थ्री है तो दो एल्यूमिनियम पर चार्ज सिक्स तो वैलेंसी फैक्टर वुड बी सिक्स तो वैलेंसी फैक्टर हम कैलकुलेट करना जानते हैं वो आपने पढ़ावा भी है इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन लेमडा ई क्यू एंड लेमडा एम तो ये था कॉन्सेप्ट मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्वलेंट कंडक्टिविटी का एक दो क्वेश्चन भी लेते हैं हमने देखो कंडक्टिविटी के बारे में कंडक्टिविटी कौन कपाह के उसके बारे में एक बात बोली थी कि ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन में जितने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे और जितने ज्यादा आयंस होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी और एडिटिव नेचर है उसकी तो उसके बेसिस पर मान लो एक सवाल आपसे पूछ लें Calculate conductivity contribution of AGCL if conductivity of. saturated aqueous solution of agcl is 10 to the power minus uh, manlo 6 uh, simons centimeter square mole minus 1 given conductivity of water equal to manlo 5 into 10 to the power minus uh, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं कंडक्टिविटी है तो यूनिट तो सही लो साइमन uh, सेंटीमीटर होगा ये साइमन सेंटीमीटर माइनस वन साइमन सेंटीमीटर माइनस वन कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना तो वाटर की कंडक्टिविटी दी हुई है और सेचुरेट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी दी हुई है तो बताओ कंट्रीब्यूशन ऑफ एजीसीएल कितना होगा सिंपल सा कौन सा एडिटिव प्रॉपर्टी तो के टोटल वुड बी इक्वल टू के कंट्रीब्यूशन बाय एजीसीएल प्लस के कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ वुड बी टोटल कंडक्टिविटी ऑफ द द इज टू पावर माइनस वाटर का कंट्रीब्यूशन कितना पॉइंट जीरो फाइव इन टू द पावर माइनस सिक्स एडजस्ट कर लिया मैंने इसको तो कितना हो गया नाइनटी नाइन पॉइंट सौ में से घटाओ इसको तो कितना हो गया नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव यही तो हुआ अरे यार ये कैलकुलेशन ना मेरी बहुत वीक हो चुकी है पॉइंट जीरो फाइव घटा दो तो पांच और ये नौ नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन फाइव यही हुआ इन टू टेंट द पार माइनस सिक्स तो सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी नाइन पॉइंट नाइन नाइन फाइव अरे कैलकुलेशन देख नाइन नाइन फाइव यही हुआ हाँ इन टू टेंट द पार माइनस कितना सेवन uh, नहीं तो एट था ना टन की पार माइनस सिक्स पॉइंट जीरो फाइव टन टू दार माइनस सिक्स तो अरे क्या क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं अभी अरे यार देख लेना क्या है दिस इज पॉइंट नाइन फाइव पावर माइनस ये आया मैंने भी क्या, क्या सौ में से क्यों घटाया सौ में से घटाने की जरूरत ही नहीं थी तो नाइन पॉइंट घट गया ना हाडेंट पावर माइनस सेवन साइमन सेंटर देख लेना आप सो लाइक दैट यू कैन क्या कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टूड दैट कंडक्टिविटी इज द एडिटिव प्रॉपर्टी सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व लेट्स टेक वन और सिंपल ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं फार्मूला बेस्ड लो मैं डाटा ले लेता हूँ क्वेश्चन का तो डेटा के हिसाब से लेट्स टेक वन क्वेश्चन हाँ मान लो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल Uh, filled with 0.1 m KCL solution is 100 ohm okay if the resistance of the same cell रेजिस्टेंस ऑफ दिम सेल वेन फिल्ड विद्ड विद जीरो पॉइंट जीरो टू एम केसीएल सोल्यूशन इज फाइव हंड्रेड ट्वेंटी ये आई आई टी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत पुराना सवाल है ये ए आई ट्रिपल ही जब बोलते थे कैलकुलेट Conductivity Cell Constant and Molar Conductivity and Molar Conductivity of Zero Point Zero Two M केसीएल सोल्यूशन गिवन कंडक्टिविटी ऑफ जीरो पॉइंट वन एम केसीएल सोल्यूशन एज वन पॉइंट थ्री साइमन मीटर माइनस वन कर लो सॉल्व क्वेश्चन को देखना कंडक्टिविटी दी है देखो की और यूनिट SI में में है तो SI में आंसर आउट कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ़ द के का फॉर्मूला था क्या जी, मतलब 1 A, तो पहले तो कर लो तो कंडक्टिविटी दी है टू वन अपॉन हंड्रेड रजिस्टेंस एल एल ए तो यहां से एल अपॉन ए की वैल्यू तो आ गई कितनी uh, 130 मीटर माइनस वन एक आंसर आ गया आ गया दिस इज सेल कांस्टेंट। अब सेल तो सेम ही रहेगा सेम कंडक्टिविटी सेल यूज किया आपने, सेम कंडक्टिविटी सेल का मतलब उसका सेल कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा तो एल बाई जब भी तो बोलते हैं उसे सेल कांस्टेंट, तो एल बाई ये सेम है अब जरा आना रेजिस्टेंस दिया हुआ है पॉइंट जीरो टू एम सोल्यूशन का तो के निकाल लो ऑफ पॉइंट जीरो टू एम केसीएल सोल्यूशन का रेजिस्टेंस सेल कौन मीटर आ गई वैल्यू और क्या चाहिए मोलर कंडक्टिविटी किसकी पॉइंट जीरो टू एम के सी एल सोल्यूशन की उसका फॉर्मूला एसआई में था हजार का फैक्टर नीचे तो के अपॉन हजार इंटू कंसेंट्रेशन और मोलरिटी तो के की वैल्यू पॉइंट टू फाइव अपॉन हजार इंटू कंसेंट्रेशन कितनी दी थी पॉइंट ज़ीरो टू है हो गया बस अब तो क्या है देख लो क्या वैल्यू आ गई पॉइंट टू फाइव या वन बाई फोर अपॉन ये बीस हो गया तो 20 से डिवाइड करोगे तो बस देख लो कितना आ गया 1.25 पॉइंट टू फाइव टेन टू दाइनस टू मीटर स्क्वायर मोल माइनस वन दैट इज इट लाइक दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर तो ये थे क्वेश्चन कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार तरीका यही है और इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं दैट्स इट फॉर नाउ